नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है भक्तों। भक्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक नींबू और आपका प्यार हमेशा के लिए आप कर हो करके रह जाएगा। जी हाँ भक्तों, आसानी से नींबू से आप वशीकरण कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का वशीकरण कर सकते हैं, जो कि बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय है, छोटा सा उपाय करके आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को समाधान पा सकते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे उपाय लाता हूं जो कि लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचा है और आप लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। अजमाए हुए उपाय रहते हैं और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उपाय करिए और जब नहीं होता तो मैं करके दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, पहले उपाय करके देखिए, ठीक है। मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ होता है, अन्य नंबरों पर कॉल ना करें, इसके जिम्मेदार ना मेरा चैनल रहेगा ना ही मैं रहूँगा। जो कि कमेंट बॉक्स में नंबर डालते हैं, ये गुरुजी का नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करिए। बहुत सारे लोग अपना अपना नंबर डालते हैं, मेरा कमेंट बॉक्स में कहीं नंबर नहीं मिलेगा। बहुत से वीडियोस पे मैं स्क्रीन पे नंबर दे देता हूँ और बहुत से वीडियोस पे नंबर नहीं देता हूँ। तो आप नीचे कई वीडियोस पे मिल जाएंगे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि इतने सारे कॉल हो जाते हैं, उठा पाना संभव नहीं होता है। तो आप मुझे व्हाट्सअप में अपनी प्रॉब्लम बता करके सोल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार से करना है यह उपाय, ठीक है। इसके लिए हमें एक नींबू की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा हल्दी और तीन लौंग और एक मंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको पीछे साइड में स्वास्तिक का चिन्ह और आगे साइड में अपना नाम और उसका नाम लिख लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अपना नाम और उसका नाम जिसके लिए करना है, ठीक है। और इधर पीछे साइड में उसी पेपर में स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को। आगे बढ़ाने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, कि हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ चैनल पे जितने लोग भी देख रहे हो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को अब मैं दिखाई दे रहा हूँ। सैंपल आपको नींबू को काट लेना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसमें हल्दी डाल दीजिएगा, ठीक है, ओनली हल्दी इस तरीके से लगा दीजिएगा। और जो लौंग लिया हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस तरीके से हल्दी को लगा दीजिएगा, ठीक है। और एक लौंग इसे बीच में करिएगा, ठीक है, और एक लौंग को इस तरफ, ठीक है। दो इंच चाहिए हमें यहाँ पर, ठीक है, आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल पे इसके बाद हमें इसको लपेट देना है, ठीक है, इसी प्रकार से लपेट दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, जहाँ भी समझना है कमेंट बॉक्स में मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से लपेट दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं हल्दी की, हम कहीं इस हल्दी को सही जगह पर उचित जगह पर रख लेते हैं, ठीक है। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं हल्दी की। एक मंत्र आपको एक लौंग को इस हाथ में पकड़ना है और एक नींबू को ऐसे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक लौंग जो हमारी बची थी तो उल्टे हाथ में और सीधे हाथ में हमें ये नींबू को पकड़ के रखना है, ठीक है। इसके बाद हमें पकड़ करके एकांत में बैठ करके इस मंत्र को 11 बार बोलना है। ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, 11 बार बोलना है, ठीक है। अब आप लोगों को दिन निर्धारित कर देता हूँ, यह किसी भी दिन और किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है, दिन भी किसी भी दिन और किसी भी टाइम, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बताता हूँ आगे क्या करना है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें हमारे इष्ट देव का नाम आ रहा है, तो इसको आप कहीं सुरक्षित जगह पर रखिएगा, जैसे कि हम भगवान की तस्वीर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको इसी में डाल दीजिएगा, ठीक है। इसको डालने के बाद इसको बांध दीजिएगा, आप लोगों को बताता हूँ 11 बार बांधना है, ठीक है। मंत्र 11 बार बोलें, 11 बार इसको, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं बांध रहा हूँ वैसे ही बांधिएगा, कैसे भी आप 11 बार इसको ऊपर से लपेट दीजिएगा इस तरीके से। ग्यारह बार लपेटने के बाद, ठीक है, इसको तोड़ लीजिएगा और एक पेपर आप अलग से ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने हल्दी रखा था इस पे,
इसको ज़रूरत पड़े तो बांध लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है तो किसी पन्नी वगैरह में रख करके, व्यवस्था से रख करके इसको क्या करना है, किसी भी चौराहे पे जा करके इसको वहाँ पे छोड़ के आना है, फेंक दीजिएगा, कोई देखे ना फेंकते समय आराम से छोड़ दीजिएगा, किसी पन्नी वगैरह में डाल करके या किसी भी चीज़ में डाल करके ऐसा फेंक दीजिएगा चौराहे में, ठीक है। वापस मुड़ के मत देखिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वापस मुड़ के मत देखिएगा, वापस आ जाइएगा, आपका काम सक्सेस हो जाएगा, या किसी काम से जा रहे हैं तो आप वहीं का वहीं निकल जाइएगा, आपका काम वहीं से सक्सेस हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया है वैसे करिएगा, और आप सोचेंगे नहीं किस प्रकार से यह काम मेरा हो गया, किसी के लिए भी कर सकते हैं, यह किसी भी के लिए कर सकते हैं, स्त्री पुरुष किसी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे जितने भी वीडियो डालता हूँ आजमाए हुए रहते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मिलता हूँ वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, जय राम जी की, राम राम।